नमस्कार, एईपीएस संचालक आधार कार्ड से निकासी करने वाले किसी भी कंपनी का अगर आईडी चलाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लगने वाला है रिटेलर को चार्ज। जी हाँ, यदि आप एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का एईपीएस आईडी यूज करते हैं तो वैसे में आपको महंगा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में लगने वाला है चार्ज। ये एक बड़ी खबर आप सुन पा रहे हैं इजी कैश बैंक ऑफिशियल चैनल पे। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं तो वैसे में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, एईपीएस रिटेलर को देना पड़ेगा महंगा चार्ज। जी हां, प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर देना पड़ेगा। कौन सा चार्जेस देना पड़ेगा सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें जो ये जो चार्ज लगाया गया है आधार कार्ड से निकासी पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट को छोड़कर आपको जो देना पड़ेगा चार्जेस वो एवरी फिंगर, यानी कि रिटेलर जब खुद का मर्चेंट फिंगर लगाएंगे, खुद का फिंगर लगाने पे आपको एक रुपया से डेढ़ रुपया तक चार्जेस देना पड़ेगा। तो आधार निकासी हो जाएंगे अब महंगे, क्योंकि रिटेलर को जब भी फिंगर रिटेलर का खुद का फिंगर देना पड़ता है भाई, ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आधार निकासी कर पाते हैं। लेकिन वैसे में एक बड़ी अपडेट है कि आप जब आधार निकासी करने से पहले खुद का फिंगर लगाएंगे उसके ऊपर एक रुपया से लेकर एक रुपया पचास पैसा तक चार्जेस आपको देने होंगे।